पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे स्टोन एज के बारे में, अब हम इस वीडियो में स्टोन एज के कौन कौन से फेजेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। द प्री हिस्टोरिक पीरियड, ये इसको स्टोन एज भी कहते हैं, कैन बी स्टडीड एज डिवाइडेड इन इट इनटू थ्री फेजेस। इनको थ्री फेजेस में स्टडी किया गया है। फर्स्ट है पैलोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, थर्ड है नियोलिथिक एज। जो पैलोलिथिक एज है उसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। पैलोलिथिक एज, द पैलोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज बिगन अबाउट 5 लाख BCE एंड एंडेड अबाउट 10,000 BCE। ये स्टार्ट कब हुआ था पैलोलिथिक पीरियड? 5 लाख BCE में से स्टार्ट हुआ था और 10,000 BCE तक जो है ये पीरियड स्टोन एज पैलोलिथिक एज जो थी वो थी। इन द पैलोलिथिक एज ह्यूमन लिव्ड इन केव नियर वाटर बॉडीज, रिवर और लेक। इंसान किस में रहता था इस एज में? जो है इंसान कहाँ रहता था? केव्स में, जो कि पानी के किनारे बनी हुई गुफाओं में रहता था। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल एंड गैदर फ्रूट एंड वाइल्ड बेरीज टू सर्वाइव। वो जंगली जानवरों का शिकार करता था, उसके अलावा फ्रूट्स और बेरीज जो है, जंगली जो बेरीज है वो अपने सर्वाइव के लिए, अपने जीवित रहने के लिए वो इकट्ठे करता था। अ वेराइटी ऑफ टूल्स फ्रॉम पैलोलिथिक एज हैव बीन अनअर्थड बाय आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि जो पैलोलिथिक एज जो थी उसमें अलग अलग तरह के टूल्स हुआ करते थे, जैसे की क्लब्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, बोज एंड एरोज। जैसे कि क्लब्स, स्क्रैपर और चॉपर का खुरचनी, हैंड एक्सेस यानी जो हाथ वाली कुल्हाड़ी, तीर और भाले जो है इस एज में पैलोलिथिक एज में जो है टूल्स होते थे। द पैलोलिथिक एज हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट पीरियड। लोअर पैलोलिथिक एज जो है फिर आगे जाके तीन भागों में बढ़ गई, तीन पीरियड्स में बढ़ गई। फर्स्ट लोअर या अर्लियर पैलोलिथिक एज, सेकंड मिडिल पैलोलिथिक एज और थर्ड अपर या लेट पैलोलिथिक एज। अब लोअर पैलोलिथिक एज जो है वो क्या है? दिस पीरियड बिगन विद द अपेरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल्स ड्यूरिंग द दिस पीरियड। ये जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ? जबकि फर्स्ट स्टोन टूल्स यानी जो पहला पत्थर से बना टूल्स जो है अपेयर हुआ था, तब से ये इस पीरियड में शुरू हुआ था। मैनी पार्ट ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विथ आइस एंड द क्लाइमेट कंडीशन वर कोल्ड एंड आइस एंड हर्श। मतलब इस टाइम जो है अर्थ का जो अधिकतर पार्ट जो है वो क्या था? आइस से जो है कवर्ड था, चारों तरफ जो आइस थी और जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो भी आइस के कारण जो है बहुत कोल्ड थी, ठंडी थी बिल्कुल। दिस ईरा इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, और इसको जो है इस समय को जो आइस एज भी कहा जाता है। द अर्लीस्ट स्टोन टूल वर कोबल्ट फ्लैक, हैंड एक्स, पॉन्डिंग स्टोन एटीसी, विच वर सिंपल एंड रफली क्राफ्टेड। उस टाइम के जो टूल्स थे वो क्या थे? कोबल्ट फ्लैक, हैंड एक्स, पॉन्डिंग स्टोन, ये सारे जो कि रफली क्राफ्ट किए थे, रफली बने हुए थे। इन इंडिया दिस ओल्डेस्ट टूल्स वर हैव बीन डिस्कवर्ड इन शिवालिक रेंज एंड द सून वैली इन पंजाब। ये इंडिया में जो है ये ओल्डेस्ट टूल्स जो है कहाँ पे मिले हैं? शिवालिक रेंज में और पंजाब के सोन वैली में ये मिले हैं। फिर मिडिल पैथोलिथिक एज, द मेजर टूल यूज्ड इन द दिस पीरियड वर द स्क्रैपर एंड बोरर्स।
which about this time early humans began living in group of tribes and developed cultural traits expressed in cave painting and rock art. अब ये मिडल पैलोलिथिक एज जो है इसमें जो है इसके इसमें मेजर टूल जो इस एज में जो मेजर टूल कौन कौन से यूज होते थे, स्क्रेपर और बोरर, बोरर में रहता था किसी पे भी निशाना साधने का। और अब इस जो टाइम पीरियड में जो है अर्ली ह्यूमन बीइंग ने क्या किया था, ट्राइब्स में जो ग्रुप में रहना शुरू किया था एंड डेवलप कल्चरल ट्रेड। और उसके अलावा जो उन्होंने कल्चरल ट्रेड्स जो है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए कल्चरल ट्रेड्स डेवलप किए। और जो केव्स जो थी उनकी दीवारों पे पेंटिंग करना, रॉक आर्ट करना ये शुरू किया। दे ऑल्सो बिगेन टू बरी द डेड, और जो मर जाते हैं उनको जो बरी करना यानी कि उसको गाड़ने का जो है वो भी उस टाइम शुरू किया। अपर पैलोलिथिक एज, दिस पीरियड कोइंसाइड्स विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। और ये वाला जो है पीरियड ये क्या कहलाता है, आइस एज का सबसे लास्ट पीरियड कहलाता है। एंड द क्लाइमेट बिकम वार्मर, और क्लाइमेट वहाँ का तब क्या होने लगा था, गर्म होने लगा था। द कॉमन टूल ऑफ द पीरियड इंक्लूड ब्लेड्स एंड बरीन्स, और उस टाइम जो कॉमन टूल इस टाइम पीरियड के क्या थे, ब्लेड्स और तीखे शार्प जो ब्लेड्स और बरीन्स थे। एडवांस डार्ट एंड फिशिंग हुक्स, उसके अलावा एडवांस डार्ट और फिशिंग हुक्स जिससे कि फिश को पकड़ा जाता था। इन इंडिया अपर पैलोलिथिक टूल्स एंड साइट्स हैव बीन फाउंड इन भोपाल, इंडिया में ये कहाँ पे मिल इसके जो टूल्स है वो कहाँ मिले, मिले?